कुशीनगर की खड्डा पुलिस पर विदेशी सामानों की तस्करी के मामले में लगा दाग अभी हटा भी नहीं था कि अब एसएसबी जवानों ने विदेशी सामानों की तस्करी वाले नाव पकड़ ली, जिससे एक बार फिर पुलिस की कार्य प्रणाली सवालों के घेरे में आ गई है। सीधे संवाददाता अनुराग तिवारी का रुख करते हैं। अनुराग, विदेशी सामानों की तस्करी हो रही है, लेकिन पुलिस हाथ पर हाथ रख के बैठी है, क्यों? जी सर, बिल्कुल, आपको बता दूं 28 तारीख जो है उस दिन जो है विदेशी मटर की जो है तस्करी की गाड़ी महाराजगंज की एसओजी टीम ने कुशीनगर जनपद के चितौनी बांध पे भैसाहा ग्राम सभा के समीप जो है पकड़ा था, और जिसके बाद से पुलिस जो है उसके पहले कुशीनगर पुलिस हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई थी, और जिसके बाद से कल जो है पुलिस प्रशासन एकाएक से जग गई है, जिसके बाद से सीमावर्ती क्षेत्र, बता दूं मैं आपको कि सुस्ता भारत और नेपाल का जो बॉर्डर सुस्ता पड़ता है, वहां से 20 किलोमीटर दूरी पे जो है पाल गोविंद छपरा ग्राम सभा है, जहां पे एसएसबी ने सुस्ता बॉर्डर से जब उन तस्करों को, नाव से तस्कर जो आ रहे थे विदेशी सामानों की तस्करी कर रहे थे, उनको जब वहां से दहाड़ा है तो वो पाल गोविंद छपरा ग्राम सभा के समीप जो है एसएसबी ने उनको पकड़ा है, जिस दौरान खड्डा की पुलिस और हनुमानगंज थाने की पुलिस जो है वो नदी पे आस लगाए बैठी थी। अनुराग, क्या पुलिस की तस्करों से मिली भगत है तभी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इसके पहले जो है कुशीनगर पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ धर बैठी हुई थी, उसी का नतीजा है कि महाराजगंज की जो एसओजी टीम है वो कुशीनगर में दाखिल होकर के, कुशीनगर जनपद में दाखिल होकर के, और वहां से तस्करी की ट्रक को पकड़कर महाराजगंज के निचोल थाने को जो है। अनुराग, पहले एसओजी टीम और अब एसएसबी जवानों ने तस्करों पर कार्रवाई की, लेकिन सवाल ये फिर बना हुआ है कि पुलिस क्यों नहीं कर रही है कुछ कार्रवाई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं जब ये एसओजी टीम जब पकड़ के ले गई है तो उसके बाद से कुशीनगर की जो पुलिस है वो जगी है, और उसके बाद से खड्डा थाना की टीम और हनुमानगंज थाना की टीम जो है वो कल शाम को जो है एक स्कॉर्पियो के साथ चार लोगों को जो है गिरफ्तार किया है, उस स्कॉर्पियो से 210 सीसी भी बरामद की गई है, और बता दूं आपको चार लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से तीन बिहार के बताया जा रहा है, तो वहीं एक कुशीनगर जनपद के मदनपुर सुकरौली ग्राम सभा का निवासी। अनुराग, अगर आपकी इस पूरे मामले में किसी पुलिस अधिकारी से कोई बात हुई तो उनका क्या कुछ कहना है इस मामले पर? जी सर, हमारी बात सर खड्डा के थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह से हुई, जिन्होंने सर बताया कि हम जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हम उसी आस प्रयास लगाए हम बैठे थे, लेकिन एसएसबी के जवान जो है उन्होंने सुस्ता से जब उन तस्करों को जो है वहां से ललकारा, तो वो जो है पाल गोविंद छपरा बीरावाट होकर जहाँ पे मैं इस वक्त में खड़ा हूँ, ये वही क्षेत्र है, मैं दिखाना एक बार चाहूंगा, यही पे जो है एसएसबी के जवान जो है ये 20 किलोमीटर की दूरी पर है, ये सामने बाल गोविंद छपरा ग्राम, यहीं पे एसएसबी के जवानों ने जो है उनको पकड़ा है, और उसके बाद से जब पुलिस और ग्रामीणों ने, ग्रामीण जो है पुलिस के सहयोग में खड़े थे, तो हवाई फायरिंग भी उस दौरान की गई है एसएसबी जवानों के। अगर हर काम एसओजी और एसएसबी करेगी तो पुलिस क्या करेगी? जी सर बिल्कुल, यही सवाल लगातार उठ रहा है कि कुशीनगर पुलिस अब तक क्या कर रही थी, क्योंकि पिछले कई दिनों से जो है ये तस्करी का खेल नदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो है चलता रहता है भारत नेपाल, और कहीं ना कहीं सर ये सवाल एक खड़ा होता है कि आखिरकार कुशीनगर पुलिस इसके पहले तक आखिर क्या करती रही। शुक्रिया अनुराग, इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ और अपडेट होगा तो आपका फिर से हम रुख करेंगे। रामपुर की ओर से आ रही एक मालगाड़ी के तीन डिब्बे मिलक धनोलीपुर गांव के पास पटरी से उतर गए। सूचना मिलने पर रेलवे महकमे में खलबली मच गई। विभाग के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डाउन लाइन से रेलवे यातायात पूरी तरह से फिलहाल बंद है। सीधे संवाददाता सफदर हसन का रुख करते हैं। सफदर, कैसे और कहां हुआ ये हादसा? सर, ये ट्रेन रामपुर से बरेली की ओर जा रही थी, जैसे ही मिलक के पास धनेली स्टेशन पर पहुंची जी, तो अचानक पीछे से ट्रेन के तीन डिब्बे पटरी से पूरी तरह से उतर गए। जी सफदर, हमारे दर्शकों को ये भी बताएं कि अब स्थिति क्या है। सर, रेलवे ट्रैक पर रेलवे अधिकारी इस टाइम आगमन को सुचारू करने में लगे हुए हैं। मुरादाबाद विभाग से भी रेलवे की टीम आई है जो पटरियों को सही कर रही है। तो जब अधिकारी से पूछा गया कि डिब्बे तोड़ने के क्या कारण रहे, तो उन्होंने बताया कि कोई तकनीकी कमी आ रही थी ट्रेन में, जिसकी वजह से तीन डिब्बे पटरी से उतर चुके हैं। सफदर, मौके पर मौजूद रेलवे अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? सर, अब रेलवे के अधिकारी कह रहे हैं कि आगमन तो इस लाइन से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, और वन वे ट्रैक कर दिया गया, ट्रेनों के रूट बदल दिए गए हैं, यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही ऑपरेशन करके इसको ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि पटरी भी तीन जगह से टूट चुकी है। जी
सफदर, क्या यातायात पूरी तरह से बंद है? और अगर बंद है तो यात्रियों को भी परेशानी हो रही होगी, तो क्या यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रूट बदला गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल, यातायात पूरी तरह से बंद है और यात्रियों की परेशानी को देखते हुए गर्मी में यात्री पूरी तरह से परेशान हो रहे हैं, तो रेलवे अधिकारियों ने रूट पूरी तरह से बदल दिए हैं। सफदर, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, कुछ भी अपडेट होगा तो हम आपका फिर से रुख करेंगे। ग्वालियर में पिछले 10 दिनों से लगातार नर्सिंग के छात्र भूख हड़ताल पर धरना दे रहे थे। छात्रों को कॉलेजों की मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिससे छात्रों की जिंदगी अधर में लटक गई है और इस विषय पर छात्र बेहद गंभीर हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता योगेश बिसरिया का रुख करते हैं। योगेश, नर्सिंग छात्रों का धरना देने का क्या कारण है? धरना देने का कारण था कि उनकी कुछ मांगे थी जी, उनकी दो मांगे थी कि जो लगभग 40 ग्वालियर में संभाग में है और मध्य प्रदेश में 108 नर्सिंग संस्था वो थी संस्था, इन्हीं संस्थाओं को उन्होंने माफ कर दी थी उनकी मांग जी, को लेकर छात्र करीब 5,540 छात्र प्रथम वर्ष की उनका भविष्य अंधकार में आ गया था जी। नए नियम जो आए थे उन्होंने कहा कि कम से कम उत्तर होने चाहिए हर कॉलेज में और अपनी मान्यताओं को लेकर छात्र संगठन के जो भी पदाधिकारी थे मार्च से लेकर जुलाई तक उन्होंने मंत्रियों को मुख्यमंत्री जी को सबको अपना आवेदन दिया, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं, सुनवाई तो न होने कारण इन छात्रों ने आंदोलन किया। 10 दिन से आंदोलन चल रहा था, बिल्कुल शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा था, लेकिन 3 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठ गए। योगेश, जब छात्र इतने दिनों से धरने पर थे तो सरकार या फिर सरकारी अधिकारी इनकी क्यों नहीं सुन रहे थे? अधिकारी इनकी नहीं सुन रहे थे। 25 तारीख को करीब मुन्नालाल गोयल जी, विधायक जी और छात्र संगठन के विष्णु गुप्ता जी, छात्र मध्य प्रदेश के छात्र संगठन के अध्यक्ष हैं, वो मुख्यमंत्री से कमलनाथ जी से मिलने भोपाल भी गए थे, तो वहां पर से उन्होंने आश्वासन दिया और इन लोगों की मांग थी हमको लिखित में दें, लेकिन उन्होंने लिखित में नहीं दिया, इस कारण से ये लोग भूख हड़ताल पर बैठे। तो कल शाम को करीब 5:30 बजे इनकी मांगें पूरी कर ली गई है, रजिस्ट्रार को हटा दिया गया है और आश्वासन दे दिया है कि 2 अगस्त तक आपकी सारी मांगें पूरी जाएंगी और छात्र एग्जामिनेशन देंगे। योगेश, आज कौन छात्रों से मिलने आया था और किसने आश्वासन दिया है? ये आश्वासन मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया, मुन्नालाल गोयल जी के विधायक उनने दिया है। शुक्रिया योगेश आपका हमसे जुड़ने के लिए। मेरठ जिला जेल में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब यहां पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अचानक से छापेमारी कार्रवाई की। मजिस्ट्रेट के साथ एसपी, एसपी सिटी, सीओ सहित भारी पुलिस बल जिला कारागार पहुंचा। हालांकि छापेमारी के दौरान किसी भी तरह के आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। एसएसपी का कहना है कि जिला जेल के भीतर सब कुछ सामान्य है। अरुण कुमार हमारे संवाददाता हमसे लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, जेल में छापेमारी का मकसद क्या है, क्या कहेंगे आप इस पर? जेल में था, आपको बता दें कि जब जेल में पुलिस और प्रशासन अधिकारियों ने छापा मारा तो जेल में तुरंत हड़कंप मच गया जी। अरुण, जब जेल में अचानक छापेमारी हुई तो वहां के अधिकारी और कर्मचारियों का क्या रिएक्शन था? रिएक्शन ये था कि कुछ वहां पर गड़बड़ी तो नहीं है, उसके बावजूद जांच करने के बाद वहां पर ऐसा कप्तान साहब का कहना है सत्य का कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं पाया गया, जिससे कि और हमारा एसएसपी साहब का कहना है कि उस वक्त हम सिर्फ कैदियों की जांच के लिए गए हुए थे जी। अरुण, छापेमारी में क्या कुछ भी नहीं मिला वहाँ? सर उस वक्त वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। जब एसएसपी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि जेल के अंदर सब कुछ ठीक है और उन्होंने बताया कि संगीन मामलों में जेल में बंद कैदियों की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। शुक्रिया अरुण आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।